सोहम। अरे सोहम उस डेकोरेशन वाले को फोन कर, पूछो गुलाब के फूल और शादी घर की अपोजिशन। अरे फिक्र मत करे दादा, अपनी भाषा में समझा दिए वो को, अगर समय पर फूल नहीं आए ना तो ऐसे हम बचाएंगे। अच्छा क्या तूने, हमेशा लेट करता है वो, क्या कहता है तू ससुरा। अरे दादा आप भी क्या मजाक करते। चलिए केटर से बात कर ली तूने? हाँ वेलकम ड्रिंक से लेकर डेजर्ट सब कुछ सेट। वेरी गुड। बहुत अच्छी लग रही है, बस हमेशा इसी तरह हंसती रहना। जिस दिन का हम लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे वो दिन आखिर आ ही गया। मैं तेरे लिए ये लाई हूं, इन्हें हमेशा अपने साथ रखना। तू अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है और जब तक ये तेरे साथ है कोई मुसीबत नहीं आएगी। थैंक यू। सर सारे तोहफे ये, हमारा तोहफा कहाँ है? अगर अर्जुन ने पूर्वी को सब कुछ बता दिया तो पता नहीं क्या होगा। तो इतने दिनों बाद घर में इतनी खुशी आई है। अर्जुन मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? ओवी, अरे क्या हुआ, तुमने आधी रात को मुझे क्यों बुलाया? अर्जुन को सब कुछ पता चल गया। क्या? हाँ। कैसे? कहीं तुमने उसको? अब ये सब बाद में पूछेगा, मुझे तो अभी ये डर लग रहा है कहीं कहीं वो पूर्वी को जाके सब कुछ बता ना दे। नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अनिल मैं जानती हूँ आपने अर्जुन और पूर्वी को मिलाने के लिए बहुत कुछ किया और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हमारे पास एक ही रास्ता। क्या? मैं इंडिया छोड़कर चला जाऊंगा और ऐसी जगह चले जाऊंगा जहां तक अर्जुन पूरी मुझ तक पहुंच ना पाए, और जब मुझ तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो फिर ये शादी को कोई नहीं रोक सकता। पर ऑनर आप जाएंगे कहां? मैं सोच रहा हूं मैं कनाडा चले जाऊं। वैसे भी वहां के मेडिकल काउंसिल ने मुझे जॉब ऑफर किया था, लेकिन अभी तुम इसके बारे में प्लीज किसी को मत बताना। अब मेरे यहां से चले जाने से सारा खेल खत्म, लेकिन अब अर्जुन और पूर्वी के बीच में कोई नहीं आया, मैं भी नहीं। ऑनर ये सही नहीं है, ना मेरे लिए ना तुम्हारे लिए ना ही पूर्वी के लिए। ये बात पूर्वी को बताना बहुत जरूरी हर हाल में। नींबू का रस मेहंदी पे लगाते हैं ना तो मेहंदी बहुत अच्छी चढ़ती है। वो सब ठीक है तेजू, लेकिन अब मुझे हाथ धोने हैं, मैं नहीं बैठ सकती। अभी हाथ नहीं धोने हैं, मैं यहाँ नींबू का रस लगा रही हूँ और तू मेरे किए करा पे पानी फेर देना चाहती है। कल तक हाथ नहीं धोने हैं, ज्यादा से ज्यादा करना है तो ऐसे करके हाथ झाड़ लेना कल तक। हाँ। अरे मैं उठा दू ना फोन, फोन उठाना है मेहंदी खराब हो जाएगी। पता किसका है? हेलो तेजू, तेजू पूर्वी को फोन दो कि प्लीज मुझे मुझे उससे कुछ बात करनी है। पूर्वी से? नहीं नहीं पूर्वी तो यहाँ पे है ही नहीं। तेजू तेजू मेरी बात सुनो, मुझे थोड़ी अर्जेंट बात करनी है, प्लीज उसे फोन दो 2 मिनट के लिए प्लीज। बात क्या, हम कल आपको पूरी पूर्वी दे देंगे शादी के बाद, उसके बाद जितनी मन चाहे बातें करिएगा, लेकिन तब तक पूर्वी से बात नहीं हो सकती। मेरी बात तो सुनो, हमारी पूर्वी कितनी लकी है, उसका होने वाला हस्बैंड उसे कितना मिस कर रहा है, लेकिन आई एम सॉरी आज बात नहीं हो सकती। हमें भी तो बात करनी है, शादी हो जाएगी उसके बाद आप बात कर लेना। ओके बाय गुड नाइट। हाँ लेकिन हेलो तेजू, हेलो फोन क्यों नहीं दिया? मुझसे नहीं बात करनी, शादी हुई नहीं है पार्टी पहले बदलनी। गिराना मत वो इधर साइड पे रख, वो साइड पे रख। हाँ वो मेहंदी का कौन उठा, ये उठाओ। अर्चना लाओ मैं तुम्हारी मदद करता। आप ये सब कुछ करेंगे? प्लीज आप रहने दीजिए। वैसे भी आप ये सब कैसे कर सकते हैं? आपको आपके शर्ट की फोल्ड भी अच्छे से करते नहीं आती तो ये कहाँ से करेंगे, रहने दीजिए। अर्चना मैं ट्राई तो कर सकता हूँ ना। हाँ भाई कर लूंगी मैं। प्लीज अर्चना मैं बिल्कुल सही करूंगा और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा।
मानव प्लीज मेरा काम मत बढ़ाना, मुझे बहुत सारा काम पड़ा है। बिल्कुल नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। एक चांस है। आई ओवी, तू आई। मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप लोग के साथ ही रहूंगी। बहुत अच्छा है। ओवी, मैं पूर्वी से ये कह रही थी कि देखना एक दिन आएगा जब ओवी को खुद एहसास होगा कि उसे हमारे साथ रहना चाहिए, और आज तो आ गई। आई पूर्वी है कहाँ? वो अभी अभी अंदर गई। अच्छा, मैं मिल लेती हूँ। मानव, आपको ये सब कुछ थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? अजीब मतलब? मतलब मानव, इस तरफ ओवी का अचानक से कनाडा से इंडिया आ जाना, पूर्वी की शादी में रहना, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, और पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ओवी हमसे कुछ छुपा रही। अर्चना, तुम नहीं मानव, मैं मुझसे ज्यादा आप ओवी को जानते हैं। आपको पता है वो कितनी इमोशनल है, वो हर छोटी से छोटी चीज पर रिएक्ट करती है, लेकिन इस बार अर्चना, आज भी उसने रिएक्ट किया है, लेकिन सही तरीके से, सही दिशा। हाँ, हो सकता है मानव, आप सही कह रहे हैं। ओवी का इस तरफ ये सब कुछ मुझे पता। तुम चिंता क्यों कर रही हो अर्चना? अब मुझे एक बात बताओ, ओवी का घर वापस आ जाना, शादी में शामिल होना, ये सब करना तुम सबसे खुश नहीं हो क्या? कैसा सवाल है मानव, मुझे बहुत खुशी है, मुझे अच्छा लग रहा है कि वो आई। बस इस खुशी को दिल से एंजॉय करो। पैकिंग। हाँ, हम सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तेजू, तेजू पूर्वी का है? भी? और तो वापस आ गई। अभी अभी उसे मेहंदी लगी है, अब हम सारी रात डांस करेंगे। तेजू, ये सब ठीक है, तू मुझे पहले ये बता, पूर्वी है कहाँ? मैं यहाँ। पूर्वी, और वो भी तुम्हें देख के बहुत खुश भी हूँ। बहुत अच्छा हुआ कि तुमने अपना होटल में रहने वाला फैसला बदल लिया। मैं जाने से पहले एक बार सभी घर वालों को एक साथ देखना चाहती थी। हाँ पूर्वी, मैं भी वापस परिवार में आके बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अब तोरे को सुलाने के लिए एक तो अच्छी लोरी सुनाते हैं, ध्यान से सुनेगी तो नींद आ जाएगी, ठीक है? सुन। कमरिया करे लपा लॉप लॉलीपॉप, कमरिया करे लपा। सुलाना है, डराना नहीं है। दो इधर, मैं चुप कराती हूँ, आता वाता कुछ है नहीं। आओ जो मिली पॉश, मेरे पास आते चुप हो जाएगी। क्या हुआ? थोड़ी का? अरे तुम दोनों सुला नहीं पाओगे, चल लाओ मुझे। जो लोरी गा के सुनाया जाता है, पता है अर्चना कितनी अच्छी लोरी गाती है? मुझे आती है थोड़ी थोड़ी, मैं सुनाता हूँ। देखो, स्वप्न लोक से आजा, ये तो चुप हो गई तो। लाओ अर्चना, मैं इसे पूर्वी के कमरे में छोड़। नहीं, आज परी हमारे साथ ही सोएगी, मानव कल ही चली जाएगी, और मैं चाहती हूँ आज ही हमारे साथ ही रहे। कल परी अपने अपने मम्मी पापा के साथ चली जाएगी, पूर्वी, अर्जुन और परी तीनों हमेशा के लिए खुश रहेंगे। अर्चना, परी तेरे पास है ना? हाँ। दे, मेरे पास दे, आज वो मेरे साथ सोएगी। आई, हम लोग सोच रहे थे कि आज रात को
परी हमारे साथ सो जाए तो? आज वो मेरे साथ ही सोएगी। रात को अगर जग जाएगी तो तुम दोनों उसे शांत नहीं कर पाओगे। देख जा सुन रही लेके आ। आराम। आई हमें पता है कि आप ये जो कुछ भी कर रही है ना ये सिर्फ आपका एक बहाना है। आप भी परी के साथ वक्त बिताना चाहती है ना, क्योंकि आज उसकी आखिरी रात है इस घर में और वो कल चली जाएगी। आपको ही बहुत याद आएगी ना। अब तुझसे क्या छुपाना, परी का यहां से जाना मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये रात का फंडा है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये मेरी पोती है, मैं जब चाहूं अर्जुन और पूर्वी से इसको मांग कर लेके आऊंगी या वो इधर आके छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल। क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी है? कुछ नहीं आई, मैं बस ये सोच रही थी कि आज तक मैंने जो कुछ भी मांगा है मुझे सब कुछ मिला। इतना अच्छा परिवार, इतनी सारी खुशियां, अब मैं इन सब यादों को अपने साथ ले जाऊंगी। और तुझे पता है इनमें सबसे अच्छी बात क्या है? इन सब की शुरुआत तुझसे हुई है। थैंक यू भाई। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं थी, इन सारी चीजों पे तेरा हक है इसीलिए तुझे मिल रहा है। हेलो आई, क्या मैं पूर्वी से बात कर सकता हूँ? थोड़ा कुछ काम था। एक मिनट अर्जुन। हेलो पूर्वी, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। अर्जुन अर्जुन ओनो, अर्जुन का फोन। हाँ अर्जुन बोलो। पूर्वी मुझे तुमसे एक्चुअली मिलना है, बहुत अर्जेंट है इस वक्त। अगर तुम अभी अर्जुन, मैं इस वक्त नहीं आ सकती, एक्चुअली घर में बहुत सारे लोग हैं और फिर आई ने भी मुझसे कहा है कि मैं तेरे होने तक कहीं बाहर ना जाऊं। मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे मिलना है। मैं जानती हूँ तुम्हें क्या कहना है। तुम यही कहना चाहते हो ना कि मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम मेरा और परी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। एक्चुअली अर्जुन मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, कुछ कन्फेस करना है। शायद इतने खुल के मैंने अपने मन की बात तुमसे कभी नहीं की। जी मेरी बात तो अर्जुन, देखो प्लीज आज मुझे बोलने दो, फिर पता नहीं कब मुझ में इतनी हिम्मत आए कि मैं तुमसे ये सब कह सकूं। अर्जुन आज जिंदगी के इस मोड़ पर आकर मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने हमारे फ्यूचर के लिए बहुत सारे सपने देखे अर्जुन। मैं चाहती हूँ कि तुम, मैं और परी हम अपनी पूरी जिंदगी में बहुत खुश रहें। अब तुम बोलो तुम्हें क्या कहना है। बोलो क्या कहूँ, जो कहना था तुमने कह दिया तो अब मैं रखूं? अर्जुन का फोन था। हाँ तो जरूरी काम के लिए फोन किया था? नहीं अभी ऐसे ही फोन किया था। आ जाओ अंदर। जवाब, अर्जुन ने पूर्वी से कुछ कहा नहीं? क्या नहीं कहा अर्जुन ने? पूर्वी से क्या नहीं कहा? वो आई एक्चुअली अर्जुन है ना, वो मुझसे मिलने होटल आया था, तो उसी ने मुझे समझाया कि मुझे आप लोग के साथ आके रहना चाहिए। हाँ तो मैं वही सोच रही थी कि अगर अर्जुन ये बात पूर्वी को कह देता तो
पता नहीं पूर्वी कैसे रिएक्ट करती। वो क्यों कुछ ऐसे रिएक्ट करती होगी, वो कुछ गलत नहीं सोचती। वो भी अर्जुन और तू बचपन के दोस्त हैं, उस नाते तुम दोनों का एक दूसरे पर उतना ही हक है जितना कि पहले था, है ना? और ये तो अच्छी बात है कि अर्जुन ने तेरे पास आकर तुझे समझाया कि तू इस घर में वापस आ जाए। शायद और कोई तुझे समझा भी नहीं पाता। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ओके। अर्जुन जल्दी कर। क्या हुआ है? ये 2 बजे शादी का मुहूर्त है, हमारे यहाँ विधि शुरू भी नहीं हुए। चल जल्दी कर, आइए आइए। इसकी कभी पहले शादी हुई ही नहीं थी और उन्होंने ये सब नाटक किया था ताकि तुम और पूर्वी एक दूसरे के करीब आ सको। तुम अर्जुन से मिलती हो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इनफैक्ट अर्जुन परी का पिता है, सो व्हाई नॉट। अमेजिंग। जैसा समझ रहे वैसा वैसा कुछ भी नहीं है, राइट? तुम दोनों की आंखों में जो प्यार देखता हूं ना मैं, कुछ भी नहीं है। तुम दोनों जो एक दूसरे से अपना प्यार शेयर करते हो वो कुछ भी नहीं। ऑनर ने इतना सब कुछ किया हमारे लिए और इस बारे में किसी को पता भी नहीं। ये बात पूर्वी का जानना बहुत जरूरी है। ये रहा प्रिंसेस का दूध, ला दे मैं मिला देती। नहीं ना, तो तैयार हो, तुझे तैयार नहीं होना। अरे ला देना, मैं पिला देती। पूर्वी तेरी शादी है, मेकअप करना है, बहुत सारा काम है। पूर्वी ये सब क्या है, तू यहाँ बैठ। अरे तू तैयार नहीं, अब तक ये सब कुछ पड़ा हुआ है। मैं भी इससे यही कर रही हूँ। तेजू इसको लेके जाओ उस रूम में और जो दूध पिला दे जा। अरे ये सब छोड़, तुझे तैयार होना है। तुझे तैयार कैसे नहीं होना है? पूर्वी आज तक तूने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया और अब मैं चाहती हूँ कि तू किसी और के बारे में ना सोच, अपने बारे में सोच, अपने परिवार के बारे में सोच और हमेशा खुश रहे। और एक और चीज कहनी थी, कुछ वक्त पहले तूने अपना प्यार देकर मुझे अपना परिवार दिलाया था और मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई इस चीज का मुझे। ऐसे क्यों बोल रही है तू? तूने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके आगे तो मैंने आई कुछ भी नहीं किया। तूने मुझे इतनी सारी खुशियां दी और आई ओवी और अर्जुन के डिवोर्स के बाद तूने हमारे रिश्ते को कितना सपोर्ट किया है, सबको कन्विंस किया है। मैं जानती हूँ ये सब आसान नहीं था। ये सारी खुशियाँ, ये सब कुछ तेरी वजह से ही तो है। मैं भी क्या पागल हूँ, कैसी बातों में लग गई। तू ये सारी चीजें छोड़ और जल्दी से तैयार हो जा। आमिन, ये तुम यहाँ? कांग्रेट, वो भी सब कुछ जानने के बाद। तुम्हें पता है मुझे कल रात को इतना सब कुछ पता चला, उसके बाद भी तुम इतनी नॉर्मली आगे मुझे गिफ्ट दे रही हो। व्हाट इज रॉन्ग विद यू रियली? अर्जुन, ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए नहीं लाई हूँ, बल्कि ऑनर ने तुम्हारे लिए भेजा।
कोने में। शादी बहुत मुबारक हो अर्जुन, आज तुम्हारी जिंदगी नए सिरे से शुरू हो रही है। सच कहूं तो ये खुशियां तुम बहुत पहले ही डिजर्व करते थे, लेकिन मुश्किलें कुछ ऐसी आती गई और फिर मैं भी तो था बीच में, लेकिन अब तुम्हारे और पूर्वी के बीच में कोई नहीं आएगा। तुम दोनों के प्यार को, रिश्ते को किसी की नजर नहीं लगेगी और इसीलिए मैंने तुम्हें ये दुपट्टा दिया है। अर्जुन, दिखने में ये भले ही एक मामूली सी चुनरी है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा अर्थ छुपा है। ये दुपट्टा आने वाली नई खुशहाल जिंदगी की निशानी है। सही शादी वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ प्यार के आधार पर होती है, जिसमें एहसान की कोई जगह नहीं होती। पूर्वी तुम्हारी थी, तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। जो तुम्हारी शादी ओबी से हुई थी, वो अपने आप को तुमसे दूर ले गई, लेकिन अपनी यादों में उसने तुम्हें संजो कर रखा था। तभी तो तुम्हारे प्यार की निशानी को उसने जिंदा रखा। तुम्हारी यादों के सहारे वो मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता देती, लेकिन किस्मत को ही वो मंजूर नहीं था, इसीलिए उसने फिर से तुम दोनों को मिलवाया। और जब किस्मत ने तुम दोनों को एक करने का तय कर ही लिया है, तो मैं बीच में आने वाला कौन होता। आज पूरी को वो मिल रहा है जो उसका हक है। गलती से भी उससे वो हक छीनने की मत सोचना। दोनों बस खुश रहना। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। ऑल द बेस्ट ऑनर। किस मिट्टी का बना यार? आई डोंट अंडरस्टैंड। जब वो पूर्वी से प्यार करता है तो उसने ये, मुझे ये समझ में नहीं आता कि प्यार का दूसरा नाम सैक्रिफाइस हमेशा क्यों होता है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। और हमारे लिए अपना सब कुछ इस तरह से छोड़ के जान, मुझे इसे बात करनी है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अर्जुन अर्जुन, कोई फायदा नहीं है, वो नहीं उठाएंगे तुम्हारा कॉल। क्यों नहीं उठाएगा मेरा फोन? वेट, तुम ऑनर से मिली थी? नहीं। झूठ मत बोलो, तुम ऑनर से मिली थी? मैं नहीं मिली थी। तो फिर ये सब कहां से आया तुम्हारे पास? ये उन्होंने शिखा के थ्रू भिजवाया था। ठीक है, तो मैं पर्सनली जाके उससे मिलूंगा। अर्जुन, वो नहीं मिलेंगे तुमसे। तुम उन्हें जहां जहां ढूंढोगे, तुम्हें वो कहीं नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेगा? अर्जुन, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? क्योंकि ये करना जरूरी है। जरूरी नहीं है। पूर्वी तुमसे प्यार करती है, तुम जानते हो ये। और तुम भी पूर्वी से प्यार करते हो, मैं ये भी जानती हूँ। तुम दोनों की शादी हो रही है, फिर सब कुछ तो ठीक हो रहा है। ऑनर पूर्वी के लाइफ से जा चुके हैं। अगर तुम सच में ऑनर के लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो पूर्वी से शादी करो। सच मानो, इससे ज्यादा और तुम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है अब ये सब जानने के बाद शादी करना। तुम लाइफ टाइम गिल्ट में नहीं रह सकते। अर्जुन प्लीज, इस वक्त अपने बारे में मत सोचो, पूर्वी के बारे में सोचो। और अपनी बेटी परी, उसके बारे में सोचो। अर्जुन, पूर्वी ने कल रात तुमसे क्या क्या बातें की थी, से कम वो तो याद है ना तुम्हें? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अर्जुन, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ घंटों बाद तुम्हारी शादी है और तुम ये सब बात लेके बैठे हो। तुम्हारा एक गलत फैसला बहुत लोगों की खुशियां बर्बाद कर सकता है। अर्जुन, अगर तुम्हारी लाइफ में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है, तो प्लीज ये शादी कर लो। एक वक्त था जब पूर्वी से मैंने तुम्हें मांगा था, पर आज मैं तुमसे अपनी बहन की खुशियां मांग रही हूं। आइए सर, थैंक्स फॉर कमिंग। वेलकम वेलकम वेलकम। आइए। थैंक यू, वेलकम। ओवी, तो कहाँ चली गई थी? आई वो एक्चुअली रेडी होने में थोड़ा लेट हो गया था। आई पूर्वी कहाँ है? ओवी, सारी बातें छोड़, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अर्चना, अर्चना, डीके सर का फोन आया था, आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं वो लोग। बारात किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है, उनके स्वागत की तैयारियां हो चुकी है ना? मानव, एक मानव, मुझे ओवी की बहुत चिंता हो रही है।
मैंने आपसे कल रात को भी कहा था ना कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे वो भी बहुत बेचैन है, उसके मन में कुछ ना कुछ है जो वो हमें नहीं बता रही। उसके मन में बाबा कुछ बारात आ गई है। अर्चना तुम टेंशन मत लो, शादी हो जाने दो, मैं उससे बात कर लूंगा। देखो अभी सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी पूर्वी की शादी है, शादी हो जाए उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। बराबर उड़ना मत, जल्दी ढेर सारे पैसे लेना। अब इसकी बनता है लेना, सविता की पोती है छोड़ेगी नहीं। अर्जुन तू तो अभी तक मंडप तक भी नहीं पहुंचा, अभी से घबराने लगा? नहीं वही थोड़ी स्ट्रिक्ट है क्या? नहीं, कम ऑन ब्रो, गो अहेड। अरे ओबी आओ बैठो ना। ये लो। ओबी ये क्या है? गिफ्ट लाइन में मेरे लिए, मैं देख लूं। हाँ हाँ पूर्वी, पूजा का टाइम हो रहा है और मुहूर्त भी करीब आ रहा है, पंडित जी कभी भी मंडप में बुलाते होंगे, रेडी है ना तू? हाँ मैं रेडी हूँ, मैं बस एक बार पूजा कर लेती हूँ। हाँ आई होप अब अर्जुन और पूर्वी की शादी में कोई प्रॉब्लम्स ना है। अरे जाओ जाओ, पूर्वी को लेके आओ, शादी की रस्म चालू होने वाली है, जाओ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। We'll be right back.
सप्तपदी यानी कि सात फेरे और हर फेरे के साथ एक वचन जुड़ा होता है। तो पहले कदम पर हम पहला फेरा लेते हैं। इस कदम पर आप एक दूसरे को वचन देंगे कि आप एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और सुख दुख में एक साथ रहेंगे। और दूसरे कदम पर सातवां कदम अर्थात सातवें फेरे पर आप एक दूसरे को ये वचन देंगे कि आप एक दूसरे पर अटूट विश्वास करेंगे। तो आइए जजमान फेरों को प्रारंभ करते हैं। अर्जुन खड़े रहो ना। एक मिनट पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती। क्या बोल रहे तुम अर्जुन? मैं जानता हूं कि इस वक्त आप सब लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, और मेरे पास आपके किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं। मैं पूर्वी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। उसे सब सच्चाई बताने के बाद अगर फिर भी पूर्वी मुझसे शादी करना चाहती है तो मुझे मंजूर है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कैसा खिलवाड़ है ये? इससे पहले भी तुमने मेरी एक बेटी के साथ, अर्जुन उस वक्त तो मैंने जैसे तैसे बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन आज अगर पूर्वी के साथ जरा भी ऊंच नीच हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने? पापा प्लीज प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं पूर्वी की भलाई के लिए कर रहा हूं, सोच समझ के कर रहा हूं। अर्जुन पर इस तरह विधि बीच में रोकना अच्छा नहीं माना जाता है। कम से कम विधि तो पूरी कर लो। वो भी मैं जानता हूं कि तुम ये क्यों कर रही हो, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो गलत है। पूर्वी को सच जानना जरूरी है, और जब तक ये सच मैं पूर्वी के सामने नहीं ले आता मैं ये शादी नहीं करूंगा। अर्जुन तुम्हें पूर्वी से जो बात करनी है सबके सामने करो। नहीं डैड, मैं पूर्वी से अकेले में बात करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि पूर्वी के फैसले पे किसी का भी दबाव है। पापा प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। अर्जुन मानव एक मिनट, तुम पूर्वी से बात करना चाहते हो ना अकेले में, कर लो, लेकिन याद रखना है तुम्हारा आखिरी मौका है, इसके बाद कुछ नहीं। क्या किया तुमने शादी से मना क्यों किया? हम दोनों ने जिस प्यार के लिए इतना कुछ भुगता है, फाइनली हम दोनों एक होने जा रहे हैं, तो मना कर रहे हो? अभी कुछ नहीं बताएगी ना? हाँ ये ओवी प्लीज प्लीज मुझे सच पता क्या है। मुझे पता है
कुछ ना कुछ गलत है जो तुझे पता है। और जो बात अंदर अर्जुन पूर्वी को बता रहा है वो तू जानती है क्या है? अर्जुन कौन सी सच्चाई के बारे में बता रहा था? आई मुझे मुझे सच में कुछ नहीं पता। देख मैं जानती हूँ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जिस तरीके से तू अर्जुन को फोर्स कर रही थी ना सारी विधि पूरी करने के लिए, तुझे पता था कि कुछ गलत होने वाला है। प्लीज मुझसे मत छुपा, मुझे पता क्या बात है। प्लीज मुझसे मत कुछ पूछ। अर्चना अगर वो कह रही है वो कुछ नहीं जानती तो तू जबरदस्ती क्यों कर रही है बेटा? एक मिनट आई। आई अगर ये सवाल पूर्वी की जिंदगी से नहीं जुड़ा हुआ होता तो हम जाने भी देते, लेकिन अब हमारे लिए सच्चाई जानना बहुत जरूरी हो गया है। बता बेटा क्या जानती है तू? पूर्वी के परिवार को पूरा हक है जानने का। वो भी प्लीज बता ना, प्लीज तुझे मेरी कसम है बता। भाई भाई ये सच्चाई निर से जुड़ी है। और फिर सब कुछ जानने के बाद में तुम्हें यह बिना बताए कैसे शादी कर सकता था? अर्जुन मुझे अभी और इसी वक्त ऑनर से मिलना। पूर्वी सिर्फ तुम्हें नहीं मुझे भी ऑनर से मिलना। भाई सब कुछ वैसे ही होगा जैसा हो रहा है। ऑनर भी यही चाहते और मैं भी यही चाहती हूँ। जो कुछ भी हुआ उसमें अर्जुन और पूर्वी की कोई गलती नहीं थी। आप लोग सब प्लीज परेशान मत हो। अर्जुन सिर्फ पूर्वी से सच्चाई बताने गया। वो पूर्वी से शादी करने के लिए मना नहीं कर रहा है। हेलो हेलो ओवी, ओवी ऑनर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अर्जुन अर्जुन तुम कहाँ हो अभी? ओवी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे ये बताओ कि ऑनर कहाँ पर है, वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? अर्जुन प्लीज प्लीज पूर्वी को लेके मंडप पे आ जाओ प्लीज। ओवी मुझे प्लीज इतना बताओ कि ऑनर कहाँ पर है, मुझे उसे मिलना है प्लीज। मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ओवी देखो तुम मुझे मुझे खुश देखना चाहती हो ना, तो प्लीज मुझे बताओ कि ऑनर कहाँ है, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज ओवी प्लीज। ऑनर एयरपोर्ट गए, वो हमेशा के लिए कनाडा जा रहे हैं। उसकी 3 बजे की फ्लाइट है। 3 बजे? पूर्वी अभी अभी 2:30 बजे। ठीक है अभी। थैंक यू सो मच। हम पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। अर्जुन का फोन था, अर्जुन और पूर्वी एयरपोर्ट गए ऑनर से मिलने। हमें ऑनर को रोकना होगा। हाँ अभी तू ठीक कह रहे, मैं भी जाके। सो तू कहीं नहीं जाएगा आज, कोई कहीं नहीं जाएगा। ये फैसला अर्जुन पूर्वी और ऑनर ये तीनों करेंगे। क्यों ने क्या करना है, उन्हें कौन सा रिश्ता ने हम कुछ नहीं करें। थैंक यू। यू आर वेलकम। शारणी फ्लाइट टाइम पर है। अच्छा एक काम करना, ये किंचुक के घर की चाबी है, उसे थैंक्स कहना। श्योर। एंड थैंक्स टू यू टू। थैंक्स फॉर व्हाट ओनर? शारणी तुमने मेरी इतनी मदद की है, हर प्रॉब्लम में तुमने मेरा साथ दिया है, इसलिए यू माय ट्रू फ्रेंड। वो तो मैं हूँ, लेकिन तुम दो लव बर्ड्स को मिलाना मेरी ड्यूटी थी। मुझसे जो हो पाया मैंने उतना ही किया। इनफैक्ट इट्स माय प्लेजर। क्या हुआ ऑनर, तुम थोड़े टेंस लग रहे हो?
अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, उन दोनों की शादी हो रही है। हाँ बट अर्जुन को सच्चाई के बारे में पता लग गया ना तो। हाँ तो क्या, इनफैक्ट मुझे तो लगता है जब तक वो लोग फ्री होंगे तब तक तुम तो आउट ऑफ इंडिया पहुंच गए होगे। हाँ ऐसा ही होना चाहिए। एक्चुअली पता नहीं क्यों अर्जुन का मुझे बार बार फोन आ रहा था रास्ते में, तो मुझे वही लग रहा है कहीं शादी में कोई रुकावट ना आई हो। ऑनर एक काम करो, तुम अपना फोन स्विच ऑफ कर दो, वैसे भी फ्लाइट में तो बंद करना ही है। और तुम ना रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, ठीक है? ओके, मैं विजिटर्स एरिया में वेट करता हूँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी, आपकी यूनिवर्सल एयरलाइन CA-134 बोर्डिंग के लिए रेडी है? लेट मी चेक प्लीज।